हेलो एवरीवन सो आज हम गेट मैथमेटिक्स फेबर 2022 के एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जहां पर दिया हुआ है कि लेट यू ऑफ एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओके जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल्यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू यू यू ऑफ टू वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस फोर तो हमें पूछा गया वैल्यू ऑफ यू ऑफ वन टू ओके सो हमें फाइंड करना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से यू ऑफ वन टू का वैल्यू ना हमें पता है कि ये इक्वेशन जो है वो लैग्रेंजस इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जो कि फॉर्म है पी ऑफ एक्स वाई यू डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई यू डेल्यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ आर ऑफ एक्स वाई एंड यू ओके सो ये फॉर्म में ऊपर का लीनियर पार्शल डिफ्रेंशियल इक्वेशन हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर ओके पर पी है हमारा एक्स क्यू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई और आर है हमारा यू सो so, यहाँ से हम ऑग्जिलरी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं ऑग्जिलरी इक्वेशन का फॉर्म क्या है ऑग्जिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन का फॉर्म है डीएक्स बाई पी क्वल टू डी वाई बाय क्यू इक्वल्स टू डी यू बाय आर ओके सो इस फॉर्म में हमें ऊपर का इक्वेशन लाना पड़ेगा ओके एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ यू और यू ऑफ एक्स वाई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वी विल राइट द एब इक्वेशन इन दिस फॉर्म दैट मीन्स यहां पर पी ऑफ एक्स वाई यू जो x है q ऑफ एक्स वाई यू जो एक्स स्क्स वाई है और r ऑफ एक्स वाई यू है जो u है ओके सो टेकिंग व्हाट वी विल गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन ओके सो इक्वेशन क्या बनेगा हम यहां से dx डीएक्स dy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो कि q है और इक्वल्स टू डी यू बाई यू Okay, जो आर है सोल्यूशन से क्या करेंगे डी यू बाई यू क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग यू

सो so, यहां से हमारा पहला कॉन्स्टेंट जो सी वन है वो हम क्या लिख सकते हैं सी वन इज इक्वल्स टू यू बाई एक्स वी कैन राइट सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्स्टेंट वी गॉट सिमिलरली वी विल विल गेट वी फाइंड द सेकेंड कॉन्स्टेंट सी टू एंड देन वी विल राइट फाइव ऑफ सी वन इक्वल्स टू सी टू और फाइव ऑफ सी टूल्स टू सी वन फ्रॉम विच विल गेट द सोल्यूशन ओके सो ये तो पहला हो गया अब सेकेंड के लिए हम दूसरा वाला लेंगे कॉम्बिनेशन that is we will take dx by x or dy by x square plus y so let us take dx by x and dy by x square plus y and proceed in the similar manner so what we will get dx by x sorry dx by x is equals to dy by x square plus y so of isco we can write in a little simplified manner that means

so we'll simplify more further so we'll take y dx minus x dy to one side and x square dx to other side so then we will get some simplified formula so y dx minus x dy we will take to one side okay or x dx dy minus y dx will take to one side and x square dx to other side okay so now what we will do now again x square we will take to the denominator of left hand side. So x dy minus y dx divided by x square is equals to remaining kya hai, dx. Okay. So now we can easily integrate both side and proceed as in the previous integration. Okay. So hum isko formula x dy minus y dx by x square is kiska formula hai. ये फॉर्मूला है हमारा डी वाई बायस का फॉर्मूला सो वॉट वी कैन राइट इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई एक्स इम्प्लाइज डी वाई बाई ये क्यों लिख सकते हैं ये सबको पता है डी वाई बाई एक्स का फॉर्मूला एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर होता है ओके okay? कैसे यहां पर हम देख सकते हैं डी ऑफ मीन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म स इसको हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे अगर क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो क्या होगा डिनोमिनेटर का स्कवायर होगा ऊपर क्या होगा डिनोमिनेटर इन टू डेरिटिवेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरी क्वेश्चन रूल ओके सो यही था फॉर्मूलाई बायस अंडरस्टूड सो नाउ वील डू डी वाई बायस इज इक्वल टू डी एक्स अब हम बहुत सारे इंटीग्रेट करेंगे अब इसको अगर बहुत सारे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा डी वाई बाई एक्स इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स आएगा ओके वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटीग्रेशन का क्या आएगा एक्स प्लस सी टू ओके सो विच वी कैन राइट as सी टू इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस एक्स और वी कैन सिंप्लीफाईट एज वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स So, यहां से हमारा क्या आएगा दूसरा कॉन्स्टेंट सी टू आ गया वाई माइनस ओके सी वन आ गया यू बाई एक्स और सी टू आ गया वाई माइनस इन टर्म्स ऑफ फाइव ऑफ सी टू इक्वल्स टू सी वन तो यहां से सी वन सी टू से हम क्या लिखेंगे फाइव सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन इज फाइव ऑफ सी टू

ये हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है दैट मीन्स यहाँ पर u ऑफ x का वैल्यू टू में और y का वैल्यू एज इट इज इक्वल्स टू यू का वैल्यू क्या आएगा y माइनस फोर आएगा तो जस्ट यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो y एज इट इज x का वैल्यू टू और u का वैल्यू y माइनस फोर तो क्या आएगा y माइनस टू का स्क्वायर विच इज फोर डिवाइडेड बाय x का वैल्यू है टू इज इक्वल्स टू u का वैल्यू है y माइनस फोर होल डिवाइडेड बाय x का वैल्यू है टू So, हमारा यहाँ से क्या आ गया इनिशियल कंडीशन यूज करके वी ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू दैट वैल्यू दैट मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फाइव ऑफ वाई माइनस एक्स स्क्स

ट द वैल्यू ऑफ यू ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ओके सो यहाँ से क्या आएगा यू ऑफ एक्स वाई सो इम्प्लाइज यू ऑफ एक्स वाई एक्स वी विल साइड विल गेट वाई माइनस एक्स स्क्स एज इट इज इन टू एक्स तो यहां से हमारा एक्स और एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक्स एंड एक्स कैंसल सो हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ यू ऑफ एक्स वाई क्या आ गया

So thank you.